सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट की ये प्रॉब्लम है। फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ JKM लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 एंड 2012। ठीक है, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड एट कैसेट बैंक, शेयर इशू एक्सपेंसेस, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड, बिल्स पेबल, सिंडिकेटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये एक बैलेंस शीट के लाइन आइटम्स है। इसके बाद कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उनको पढ़ें। अब मशीन कॉस्ट ऑफ ₹2,80,000, बुक वैल्यू इतना, वॉज सोल्ड फॉर इतना। ठीक है, तो इससे प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। डेप्रिसिएशन फॉर 2011-12 वॉज अमाउंटिंग टू ₹3,00,000 ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड ₹50,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अ पीस ऑफ लैंड हैज़ बीन सोल्ड आउट ऑन 1 November 2011 एंड द प्रॉफिट ऑन सेल हैज़ बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद ₹40,000 इज रिसीव्ड एज डिविडेंड इंक्लूडिंग ₹50,000 प्री एक्विजिशन पीरियड। जो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड होता है फ्रेंड्स, वो हमारा बेसिकली कहलाता है कॉस्ट जो होती है उससे हम कम करते हैं उसे। ठीक है, विच इज़ क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इंटरिम डिविडेंड वॉज पेड, इनकम टैक्स पेड वॉज दिस। हमसे पूछा है एक तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज बनाने हैं और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट और वर्किंग कैपिटल चेंज के ये जो पूछा है ये हम बनाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फ्रंट पे लिखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद है ये हमारा वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये हम बनाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के लिए। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे कुछ वर्किंग नोट्स, जिसमें आपका एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये तीन तो ये बन जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर बनेंगे ये। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी। तीसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट।
और एक प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। ये पांच अकाउंट हमारे बन जाएंगे, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। चलिए अब फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको पुटअप करते हैं अकाउंट्स में। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, उन्हें लिखें। ये इसकी ओपनिंग बैलेंस हमारी 20 है और क्लोजिंग बैलेंस इसका 18 है। इसका ओपनिंग बैलेंस 22 है, क्लोजिंग बैलेंस 31 है। इसका ओपनिंग बैलेंस 2 है, क्लोजिंग बैलेंस 3.5, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 4 है और क्लोजिंग बैलेंस 5 है। ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस 8 है, क्लोजिंग बैलेंस 11 है, ठीक है जी। ये हमारे अकाउंट्स के हो गए। अब एडजस्टमेंट की बात करें, देखिए नीचे लिखा है मशीन कॉस्ट रुपीज 280, रिटर्न डाउन वैल्यू 170, सोल्ड फॉर 150। यानी कि मशीन आपने बेची है, सेल हो गई 1.50 की और लॉस ऑन सेल हो गया 20,000 का, ठीक है। ये सारे रुपीज इन लैक्स हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन हमने 3 लाख का प्रोवाइड किया है और 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग पे। डेप्रिसिएशन इसमें 3 लाख का है और इस पे हमारी डेप्रिसिएशन 50,000 की है। इसके बाद एक पीस ऑफ लैंड बेच दिया था हमने और वो पता नहीं कितने में बेचा, बट ये बता दिया कि उसका जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में हमने क्रेडिट कर दिया। कैपिटल रिजर्व देखो कितना आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है हमारा 2.5 का, ठीक है। सो यहाँ पर आप कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए, ये हमारा हो गया प्रॉफिट ऑन सेल 22.5। ये देखिए ये हमारी सेल आ गई लैंड एंड बिल्डिंग की बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़िए क्या लिखा है। 40,000 रुपीज हमें डिविडेंड के मिले हैं, जिसमें से 15,000 हमारा प्री एक्विजन डिविडेंड था जो हमने क्रेडिट कर दिया था, विच इज क्रेडिटेड इन एडवेस्टमेंट का, मतलब 25,000 रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। डिविडेंड के जो पैसे हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाएंगे, सॉरी 15,000 रुपये। तो यहाँ पर बाय प्री एक्विजन डिविडेंड हमारा 15,000 यहाँ आ गया। आगे पढ़ें, 40,000, ठीक है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड पे किया, कोई बात नहीं। इनकम टैक्स पे किया हमने 3,80,000 का। तो ये जो हमारा टैक्स पेड आएगा
ये 3.80 का आ गया, ठीक है। चलिए और कुछ है? नहीं, और कोई नहीं है। तो पहले तो इनके एडजस्टमेंट कर लें। ये सेल आ गई हमारी 4 लाख की, इसका बैलेंस करें तो आ जाएगी 31 + 1.5 + 0.2 + 3, तो ये आ जाएगा हमारा 35.70। ये हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली है। इसके बाद आते हैं 1.65। ये बैलेंस हमारा, ये हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसको देखें हम, तो ये 8.80, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो आएगा 4.80 का प्रोविज़न जो आपने बना दिया है। और इसका नियम ये है कि ये वाला आप पे कर दें, इस तरफ का जो आएगा बैलेंस इसका प्रोविज़न आपने मेड कर लिया, ठीक है जी। अब ये सारे इम्पैक्ट आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट पे दे दीजिए, सबके इम्पैक्ट। चलिए, एक तो प्रपोज डिविडेंड हो गया हमारा 11.00, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया कितना, सॉरी अगले पेज पे देना है ना, इधर नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया हमारा 4.80, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया, तो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हो जाएगा। लॉस ऑन सेल आपका 20,000 है और डेप्रिसिएशन 3 लाख, ठीक है जी। इसके बाद डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का है 50,000, चलिए लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया 50,000 डेप्रिसिएशन। इसके बाद अब बैलेंस शीट को और देखें, गुडविल हमारी 5 से 4.2 हो गई है, तो ये गुडविल हमारी रिटर्न ऑफ हो जाएगी 0.80। इसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगी 0.80। इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारे 0.20 ये आ जाएंगे, ठीक है जी। शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारे 0.20 आ गए। चलिए, इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है 2.50 का इंटरिम डिविडेंड पे किया है।
ठीक है जी। और डिविडेंड जो रिसीव हुआ था टोटल 40,000 का था, जिसमें से 15,000 तो आपके इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिए, 25 हमने P&L में कर दिए। अब जनरल रिजर्व देखिए 4 से 6 हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस 5.3 से 6.7 हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की ओपनिंग बैलेंस लिखें यहाँ पे 5.30 और क्लोजिंग बैलेंस लिखें 6.70। जनरल रिजर्व हमारा 2.0 है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 31.70। तो 26.15 ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और इसी को हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, जो हमें ऑपरेशन से फंड आया वो आया, ठीक है जी। सो ये मेजर सोर्स है, सोर्स एंड एप्लीकेशन फंड का। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये आपके आ गया 26.15। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से आया 4। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से आया है 1.5। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितनी 13.70। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा 1.65, ठीक है जी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी है 1.65। चलिए और देख लीजिए कुछ छूट रहा है तो। ठीक है, टैक्स पे किया हमने 3.80, प्रपोज डिविडेंड पे किया है, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो 8.00 पे किया, इंटरिम डिविडेंड पे किया है 2.50, ठीक है जी। चलो अब आ जाए हम, गुडविल हमने कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग कर ली, प्लांट एंड मशीनरी कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक, डेटर, बीआर एंड कैसेट कैसे बैंक, ये 4 आइटम हमारे करंट एसेट्स में हैं। करंट एसेट्स हमारी स्टॉक, फिर है डेटर, बीआर एंड कैसेट बैंक। ठीक है जी, ये 2011 के हैं और ये 2012 के हैं। स्टॉक हमसे 8.6, 12.70, डेटर 10.20, 13.00, बीआर 1.00, 0.70
एंड कैश एंड डेट कैश बैंक 7.20 8.90। ठीक है जी, ये हमारे हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं, इस तरफ जाएंगे तो बिल्स पेबल एंड संडी क्रेडिटर्स हैं। तो यहाँ पे लिखे हम करंट लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल एंड संडी क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल आपकी 2.0 एंड 1.80। एंड संडी क्रेडिटर्स आपके हैं 3.50 एंड 4.60। ठीक है जी, तो ये हमारी करंट एसेट्स आई 2.0, ये 5.5, नेट वर्किंग कैपिटल 21.50, ये हो गई 12.7, 13.7, 8.9, ये हो गई हमारी 35.30 और ये हो गया हमारा 6.40। 28.90 हमारी वर्किंग कैपिटल है। तो 7.0 ये हमारा आएगा इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल 7.40। अब एक तरफ से आप पूरी बैलेंस शीट चेक कर लें, कोई लाइन आइटम आपका छूटा ना हो, फिर आप टोटल करें। ठीक है, देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी का कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग का कर दिया, इन्वेस्टमेंट का कर दिया, स्टॉक डेटर बीआर कैसेट बैंक शेयर इशू एक्सपेंसेस डन। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ देखिए 50 से 55 हुई है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स 0.5W। कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया है, जनरल रिजर्व कर दिए, P&L कर दिया, प्रपोज डिविडेंड कर दिया, बिल्स पे बिल कर दिया है, क्रेडिटेड कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया है। तो जब ये सारे लाइन आइटम कर दिए, एडजस्टमेंट में करें, इनकम टैक्स पेड कर दिया सबसे नीचे, इंटरिम डिविडेंड कर दिया, डिविडेंड रिसीव्ड कर दिया, डिविडेंड रिसीव्ड का इम्पैक्ट हमने ठीक है वो तो कर दिया, रिसीव्ड का यहाँ पर भी आएगा 0.40 इनफ्लो हो रहा ना, क्योंकि प्रॉफिट से हटा दिया था हमने डिविडेंड रिसीव। इसके बाद पीस ऑफ लैंड सोल्ड कर दिया, डेप्रिसिएशन कर दिया और मशीनरी का सेल कर दिया। चलिए अब टोटल करते हैं, 26.5 प्लस 1.5 प्लस 5 प्लस 0.4, सो दैट कम्स टू 37. अच्छा ये 15 है तो ये आएगा 37.05, 13.7 प्लस 1.65 प्लस 3.80 प्लस 8 प्लस 2.5 प्लस 7.4, ये 37.05। ठीक है जी, तो ये 37.05 एंड 37.05 हमारा फंड फ्लो टैली हो गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा सही हो गया। आई होप आपको हर पॉइंट समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।